सिक्योरिटी गार्ड की गोली मारकर हत्या। मुरादाबाद के मंझोला थाना क्षेत्र में हाईवे 24 स्थित कार शोरूम की सिक्योरिटी गार्ड को आज सुबह अज्ञात बदमाशों ने गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मर्डर की सूचना पर पुलिस के आला अधिकारी घटना स्थल पर पहुंचे और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर पुलिस टीम को जांच में लगा दिया है। आज सुबह 3 बजे के आसपास दिल्ली रोड स्थित आकांक्षा कार शोरूम पर सिक्योरिटी गार्ड को अज्ञात बदमाशों ने गोली मार दी। गोली की आवाज सुनकर आसपास के लोगों ने जब मौके पर आकर देखा तो खून से लथपथ गार्ड को इलाज के लिए प्राइवेट अस्पताल भिजवाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। कार शोरूम के गार्ड की हत्या की सूचना पर थाना पुलिस के साथ साथ एसएसपी प्रभाकर चौधरी भी मौके पर पहुंच गए और घटना स्थल का मौका मुआयना करके पुलिस की टीम गठित करते हुए जल्द से जल्द इस मर्डर के आरोपियों को पकड़ने के निर्देश दिए गए। वहीं मौके पर मौजूद एसपी सिटी अमित आनंद ने बताया कि गोली मारने की सूचना इनके परिजनों द्वारा दी गई थी, वैसे हर एंगल से जांच की जा रही है। क्या नाम है? मेरा साजिद हुसैन नाम है। सर जी, आप जो मृत्यु हुई है वो कौन है और कैसे? मेरे बड़े भाई हैं, भोला सिंह की मिलते रहने वाले हैं और 12-13 साल से यहाँ आकांक्षा में ड्यूटी करते हैं। वो सिक्योरिटी गार्ड में हैं, सिक्योरिटी गार्ड की तरफ से ड्यूटी करते थे। यहाँ पर कम से कम 12-13 साल हो गए। रात की घटना ऐसी घटी है, पता नहीं। और जो 3 लोग थे ये, वो दोनों लोग बता रहे हैं, दोनों इधर गार्ड वाला, ये भी गार्ड और उधर वाला भी गार्ड बता रहा है कि हमें पता ही नहीं चला, हम तो सो रहे थे। जब मेरे भतीजे लोग आए, मेरे भाई ने गोली लगने के बाद उसमें उन्होंने फ़ोन किया है कि घर पे कि बेटे शाहरुख मेरे गोली मार दी। बोले वो ये नहीं पूछ नहीं पाया, बोले मुझे बचा लो। वो बच्चा ये नहीं पूछ नहीं पाया गर्म गाँव में कि किसने मार दी। अच्छा, ये दोनों गार्ड नहीं बता रहे, बोले हम सो रहे थे। कितने बजे की लगभग? ये लगभग 2-2.5 बजे का, 2-2.5 बजे का टाइम होगा सर। किसी से कोई रंजिश? कोई रंजिश नहीं, कुछ नहीं, कोई रंजिश नहीं, कुछ नहीं। ड्यूटी आना और ड्यूटी से सुबह चले जाना। तो जो अन्य गार्ड है वो कुछ नहीं बता? वो कुछ नहीं बोले सर। वो कह रहे हैं, अब मेरे भतीजे ने आके उठाया उन दोनों गार्डों को, तो वो कह रहे हैं कि हम तो सो रहे थे, हमें तो कुछ भी नहीं पता चला, हमें तो आवाज़ भी नहीं आई, हमें तो आवाज़ भी नहीं आई। और मुश्किल से कितना दूरी होगी, 100 गज की दूरी भी नहीं है। दूसरे वाले गेट की, दोनों गेट की गार्ड थे, गनमैन थे, गनमैन थे दोनों। अच्छा, ये भी गनमैन थे? ये भी गनमैन थे, उनके अपने अपने अपना लाइसेंस है इनके पास दोनों। गार्ड को गोली मारी गई है, क्या लग रहा है? ये मझौला थाना क्षेत्र में एक कार शोरूम है, यहाँ पे प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड है, जिसे रात में गोली मारकर जहाँ पे इनकी मृत्यु हुई है। इनके परिवारजन द्वारा पुलिस को सूचना दी गई, सूचना पर तुरंत पुलिस कार्रवाई करते हुए यहाँ पे आई। पोस्टमार्टम के लिए संस्कृत में भेजा जा रहा है और साथ ही इसमें मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। इसमें साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं, जो साक्ष्य के आधार पर मुझे काफ़ी फोन करी जाएगी। आस पास के सीसीटीवी फुटेज है, उनको भी